क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, 1:1, ये हमारा एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1x3 का, इसको 3x3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन हम 3x1 से कर रहे हैं, तो हमें एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1:1, 1:0, 2:0, 1:0, 2 and 0:2x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अभी नल मैट्रिक्स कौन सा होगा पता नहीं, तो हम अभी 0 ही रख रहे हैं, ठीक है, वैसे पता तो हम कर सकते हैं, ठीक है, पहले से ही, पर ठीक है अभी हम 0 ही रखेंगे, बाद में उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे, या अभी करना है तो अभी भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों का, इसका कॉलम इसका रो जाएगा, तो ये 1x3 आएगा, और 1x3 को 3x1 से करेंगे तो हमें 1x1 मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मैं इसको मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो एक ही एलिमेंट आएगा जो कि 0 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, रो को किससे करेंगे, कॉलम से, ठीक है, तो पहली रो को पहले कॉलम से, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1, 1+4+1 हो गया। अब फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करें तो 1 2 जा 2, 2 0 जा 0 एंड 1 0 जा 0, तो ये 2 ही रहेगा। और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से तो 1 0 जा 0, 2 1 जा 2 एंड 1 2 जा 2, ये मैट्रिक्स क्लोज, 0 2x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, करते हैं मल्टीप्लाई वापस, एक मिनट, पहले मल्टीप्लाई करने से इनको ऐड कर लें, 4+1 इज 6, 4+2 इज 6, 2 एंड 4, 0 2x। अब मैट्रिक्स खोल ही देते हैं, ठीक है, या चलो बना ही लेते हैं, 6 0 जा 0, 2 into 4, 2 2 जा 4 एंड 4 into x is 4x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 4x+4 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -4, और x की वैल्यू फिर आ जाएगी हमारी -1, ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कंपेयर कर दिया, हमें x की वैल्यू मिल गई। ईजी से क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ध्यान रखना, क्योंकि ज़रा सी गलती हुई हमारे मार्क्स पूरे कट जाते हैं।